नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन गहलोत सस्ता घर की तरफ से फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए नया प्रोजेक्ट लेकर आया हूं, हिनाया ग्रीन्स। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक हमारे सीनियर हैं मिस्टर जगप्रीत सिंह चड्डा, सस्ता घर की टीम से आए हैं ये। मैं इनको आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। मिस्टर जगप्रीत सिंह चड्डा जी, ये हिनाया ग्रीन हमारा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं आपको और हमारे सस्ता घर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है सस्ता घर की। तो बाजी आपको बताएंगे हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में, बताइए बाजी। सो मेरा नाम जगप्रीत सिंह है, मैं सस्ता घर टीम का मेंबर हूँ। सस्ता घर की तरफ से मैं आपको बताने आया हूँ कि सबसे पहले हमारी क्या आइडियोलॉजी है सस्ता घर की। सस्ता घर एक ब्रोकर फर्म नहीं है, सस्ता घर एक प्रॉपर्टी डीलिंग फर्म नहीं है, सस्ता घर एक रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म है जो कि आपके पैसे को सही जगह चैनलाइज करने में आपको मदद करती है। इसमें हम किसी प्रकार की कोई भी ब्रोकरेज किसी भी कंज्यूमर से नहीं लेते हैं। सस्ता घर का मोटिव एक ही है कि अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। सस्ता घर में आज हम आपको जो लेके आए हैं जिस प्रोजेक्ट में, वो है हिनाया ग्रीन्स। हिनाया ग्रीन्स सेकंड एवेन्यू छतरपुर में पड़ता है और मैं आपको सीरियसली बता देता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ साउथ दिल्ली है। साउथ दिल्ली में आपको इतना ग्रीन एरिया बिटवीन द फार्म हाउसेज आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो एक चीज़ याद रखिएगा मेरी बात, सस्ता घर और हिनाया ग्रीन्स का सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो 1000 गज के एरिया में डेवलप हो रहा है। और 1000 गज के एरिया में जो हम डेवलप कर रहे हैं, इसमें बहुत सी एक एमिनिटीज़ हैं। पहले मैं आपको एक बार व्यू दिखाना चाहता हूं कि जिस एरिया में ये डेवलप हो रहा है, तो आप एक बार मेरे साथ देखिए कि किस तरीके का ग्रीन बेल्ट एरिया है, किस तरीके का फार्म हाउस एरिया है और बीच में हम लोग जो फ्लैट्स डेवलप कर रहे हैं हमारे कंज्यूमर्स के लिए। हमारे कंज्यूमर्स को प्लीज़ बताइए कि ये एरिया पड़ता कहाँ पे है, यहाँ तक लोग वो पहुँचेंगे कैसे, क्या क्या फैसिलिटीज़ हम लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं जिससे कि उनको एक इजी एक्सेस मिले हमारे इस प्रॉपर्टी के बारे में। जगप्रीत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा एरिया पड़ता है छतरपुर सेकंड एवेन्यू राधे मोहन राय, इस एरिया के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें जो ये सेकंड एवेन्यू, इस पर 8 एवेन्यू पड़ते हैं जो फर्स्ट से लेके 8 तक जाते हैं। इसमें फर्स्ट और सेकंड एवेन्यू अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए रास्ता आता है, और तीसरा रास्ता हाईराइज बिल्डिंग आपने देखोगे स्काईमैंशन, उससे भी आ सकते हैं। बात करूँ कनेक्टिविटी की, तो मेट्रो यहाँ से आपका कुतुब मीनार मेट्रो 4.5 किलोमीटर पड़ता है, छतरपुर मेट्रो 4 किलोमीटर पड़ता है, तो आप इजीली कवर कर सकते हैं। आपको बाहर से सारी बसें मिल जाती है, गवर्नमेंट बस मिल जाती है, आपको प्राइवेट बसेज मिल जाती हैं, ई रिक्शाज मिल जाते हैं, आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाते हैं, तो कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आप इजीली आ सकते हैं। और कुछ दिन बाद आप देख सकते हैं 250 फैमिली आने वाली है, तो आपको इजीली अवेलेबल नीचे आपके ऑटो वाला भी मिलेंगे, आपको ई रिक्शे वाले भी मिल जाएंगे। हाँ सचिन जी, थोड़ा सा मेरे को इस बारे में और बताइए कि अगर मुझे यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर्स और ग्रोसरी आइटम्स, वेजिटेबल मार्केट, अब अगर मेरे 250 फैमिलीज़ यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें कैसे प्रोवाइड हो रही हैं? सर वैसे तो आजकल आपको पता ही है पाजी, ऑनलाइन का ज़माना है, हर चीज़ आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बट उसके लिए भी, उसके बाद भी हमने क्या है ना, इस सारी बिल्डिंग्स में हमने शॉप्स दी हुई हैं जो बेसिक डेली नीड्स के लिए। तो हमारी 8 शॉप्स है जिसमें नीचे हम दे रखे हैं, जिसमें आपकी डेयरीज खुल रही हैं, इधर आपकी वेजिटेबल स्टोर खुल चुके हैं। तो जैसे जैसे फैमिली आएंगी, वैसे वैसे यहाँ पे कनेक्ट जो भी आपकी ग्रॉसरी शॉप है सारी आ जाएंगी, और फिर आप हाईराइज के साथ साथ आ सकते हैं। तो सारी जो जितनी भी हमारी मार्केट है हाईराइज के साथ बराबर में पूरी मार्केट पड़ती है, जहाँ फार्म हाउस की आप जितनी वेजिटेबल आपकी फार्म हाउस की मिलती हैं, फ्रेश वेजिटेबल मिलती हैं आपको, फ्रूट्स फ्रेश मिलते हैं। और यहाँ पे आपको जो मैं आपको बता रहा, दूध जैसे आपकी बॉडी बनी हुई है, ये दूध आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूध आपको नॉर्मल मिल जाता है जो यहाँ पे लोग तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम सस्ता एज ए सस्ता घर टीम आपको सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने में मदद नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये भी एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि सस्ता घर की आइडियोलॉजी जो कि आपके हमारे कंज्यूमर के इंटरेस्ट और उनकी कन्वीनियंस की तरफ काम करता है। सो दैट इज़ वाई जो हम आपको मैक्सिमम डिटेल प्रोजेक्ट की दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस स्टोर्स, ATMs, वेजिटेबल मार्केट्स और दूध मंडी, जो कि सबसे यहाँ पे नेचर्स के साथ आपको मिलेगी, जो ना कि खाली आपको अच्छी जीवन बिताने में मदद करेगी बट ऑल्सो मेरे जैसे बॉडी बनाने में भी मदद करेगी। तो मेरे साथ सचिन जी एक बैठे हैं, मैं इनके साथ एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, सिविल वर्क, जो कि लोग फ्लैट तो खरीदते हैं लेकिन इन चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं देते हैं, जो लॉन्ग टर्म जाके उनको ट्रबल करता है। तो मैं चाहूँगा कि सचिन जी थोड़ा सा आप यहाँ की सिविल क्वालिटी, यहाँ की बेसिक एमिनिटीज़ के साथ साथ सिविल क्वालिटी में किस तरीके का कंस्ट्रक्शन यूज़ हुआ है, किस तरीके का सरिया यूज़ हुआ है, लोगों को एक्सप्लेन करें।
पाजी ने मुझसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है एक सिविल वर्क के बारे में, और ये कि मैं इंटीरियर वर्क तो आप देख लेते हैं बट सिविल वर्क देखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बिल्डिंग की रूट सिविल से ही होती है। बात करूँ सिविल में, पहली जो हमारा स्टार्टअप होता है फुटिंग से होता है। तो फुटिंग दो टू टाइप्स की फुटिंग होती है, एक आइसोलेटेड फुटिंग होती है, कंबाइंड फुटिंग होती है। तो बात करूँ इस आइसोलेटेड फुटिंग सिंगल फुटिंग होती है, इसमें सिंगल कॉलम होता है, सिंगल फुटिंग होती है। बट इस बिल्डिंग में हमने सारी कंबाइंड फुटिंग यूज़ करी है, जिसको टू मान लीजिए आपका 4x4 की फुटिंग है, उसके बीच में 2 फुट का गैप आ गया है, तो हमने उसे 2 फुट को भी कवर कर लिया है। तो हमने उस फुटिंग को आपका 10x8 का यार्ड में आपका फ्लैट है, अप्रॉक्स 1150 या 1200 स्क्वायर फीट बैठेगा, क्योंकि सारे फ्लैटों का लेआउट अलग है, किसी का थोड़ा ज़्यादा है, किसी का थोड़ा कम है। बात करें तो फ्लोरिंग में हमने इसमें डिजिटल टाइल दी हुई है ब्रांडेड, इसमें 2x4 का साइज है उसका, और जितने भी हमने वॉल पे फिनिशिंग के लिए POP पनिंग करी है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, जिससे वॉल आपकी स्मूथ दिखाई दे। बात करूँ पेंट क्वालिटी की, तो इसमें प्लास्टिक पेंट हो रहा है आपका एशियन का। और बात करूँ किचन की, मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं, फुली मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं विद इनोटेक के साथ, इनोटेक हाइड्रोलिक सॉकर्स के साथ दे रहे हैं, सारे हिंजेज भी आपके सॉफ्ट क्लोजर हैं और फिनिशिंग दे रहे हैं। आपको फ्लैट काफ़ी पसंद आएगा, थोड़ा सा व्यू मैं इस फ्लैट का दे दूँगा, अभी पूरा फ्लैट तैयार नहीं है। बात अंदर थ्री बेडरूम है, 2 टॉयलेट्स हैं, और आपका एक ड्राइंग डाइनिंग एरिया है, लिविंग एरिया है, किचन है, तो काफ़ी स्पेसियस फ्लैट है, आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। सबसे अच्छी बात लोकेशन काफ़ी पसंद आएगी आपको। तो दोस्तों यही है, और बताइए। तो अभी आपने देखा दोस्तों कि कैसे कितना डिटेल्ड हमने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, और जैसे कि हमारा सैम्पल फ्लैट 7 to 10 days में रेडी होने वाला है, आपको सचिन जी ने अभी ब्रीफ किया है, तो मैं आप लोगों से ज़रूर बोलूँगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ का साइट विजिट प्लान करें, बिकॉज हमारे पास बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री है और हम नहीं चाहते कि अच्छी चीज़ थोड़ी सी देरी की वजह से आपसे चूक जाए। दिवाली आने वाली है दोस्तों, नई दिवाली और नया घर दोनों साथ साथ चलना चाहिए, और हमारा दिवाली ऑफर के लिए भी आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं कि हमारे क्या ऑफर्स चल रहे हैं। एक आखिरी चीज़ बिफोर मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँ कि सचिन जी आप हमारे दोस्तों को इतना ज़रूर बताइए कि बेसिक एमिनिटीज़ के अलावा जो आप फ्लैट्स के साथ दे रहे हैं, बिल्डिंग की और इस एरिया की क्या एमिनिटीज़ आप और फैसिलिटीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं, इसमें क्या लोन फैसिलिटी है, कितने तक का लोन लोगों को मिल सकता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें तो लोगों के लिए डिसीजन लेने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, और अपने कंज्यूमर की आसानी करना हमारा सर्वप्रथम है। मैं बात करूँ उसके प्राइस की, 70 लाख का ये आपका फ्लैट है, तो इसमें हमारी 2 units थी 75-70, तो 75 वाली सारी सोल्ड है, तो 70 की अवेलेबल है हमारे पास। अब बात करूँ बेसिक एमिनिटीज़ हम जो दे रहे हैं इसके साथ, हम ऊपर 1000 गज का कंप्लीट टेरिस गार्डन दे रहे हैं, इसमें आपका योगा स्पेस दे रहे हैं, और बात करूँ इसमें आपका सोलर पैनल दे रहे हैं, जिसकी आपकी ऑफ ग्रिड का है, जो आपकी सारी कॉमन एरिया की लाइट जलेंगी। जिससे बात करूँ इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम दे रहे हैं, सेफ्टी पर्पज़ से आपका मान लो कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो फिर भी उसके लिए हम फायर फाइटिंग सिस्टम दे रहे हैं हर फ्लोर पर अलग अलग पाइप के साथ। बात करूँ इसमें पार्किंग मिल रही है आपको, पार्किंग मिल रही है, गेटेड कंपाउंड है, पूरे कॉमन एरिया में CCTV कैमरा लग रहा है, आपके मेन एंट्रेंस में CCTV कैमरा लग रहा है, तो सिक्योरिटी पर्पज़ से बहुत अच्छी बिल्डिंग है ये। बात करूँ बेसिक पानी की, तो इसमें आपका जल बोर्ड का पानी है आपका, इसमें BSS का मीटर लगा के देंगे हम, तो सारी एमिनिटीज़ जो होती हैं वो दे रहे हैं, और आपको यहाँ मज़ा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ जो भी मेरा क्लाइंट यहाँ लेगा, जो भी मेरे फ्रेंड है लेना चाहते हैं, इससे बढ़िया लोकेशन नहीं है, आपको फील आएगा रहने में। तो दोस्तों आज आपका सस्ता घर के टीम मेंबर्स ने आपको कैसे इस प्रोजेक्ट हिनाया ग्रीन्स के बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड करी, ऐसे ही हम आपको और भी जानकारी प्रोवाइड करते रहेंगे। उस जानकारी को पाने के लिए आप लाइक करना ना भूलें हमारे पेज को, और सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट हम आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम डिटेल्स अबाउट छतरपुर प्रोजेक्ट्स या नियर बाय प्रोजेक्ट्स आपको पहुँचाते रहें। एक चीज़ याद रखिएगा मेरे दोस्तों, दिवाली आ रही है, अब खुशियाँ नए पते पर।